दोस्तों आज क्लाइमेट चेंज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बढ़ती शॉर्टेज ह्यूमन बीइंग्स को एक वल्नरेबल पोजीशन में लाकर खड़ा कर देती है, और अगर ऐसी वल्नरेबिलिटीज सियाचिन जैसे क्रिटिकल बैटलफील्ड्स में देखने को मिले तो ये पूरे देश की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन जहां इंडिया आज अपने सोलर पावर कैपेबिलिटीज के टर्म्स में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, वहीं सियाचिन का बैटलफील्ड और वहां यूज होने वाले वेपनरी भी आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेस होने के लिए तैयार है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एक इसी तरह के सोलर पावर ड्रोन इन्फिनिटी की बात करने जा रहे हैं जो सियाचिन में स्टेशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जल्द ही अपने ऑपरेशंस के लिए यूज कर पाएंगी। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स और स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे, जिसका इन्फिनिटी एक अहम पार्ट बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे सोलर पावर का यूज करके सियाचिन जैसे टफ टेरेन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं सियाचिन पर और देखते हैं कि आखिर क्यों उसको सेफगार्ड करना इंडिया के लिए इतना जरूरी है। दोस्तों सियाचिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। हिमालयस की ईस्टर्न काराकोरम रेंज पर लोकेटेड ये ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूटेड मुद्दा रहा है। दोनों ही कंट्रीज इस टेरिटरी पर अपना क्लेम जाहिर करती हैं। सेल्टोरो रिज इस सियाचिन ग्लेशियर को डोमिनेट करता है, और जो भी देश इस सेल्टोरो रिज की कमांड को कंट्रोल करता है वही इन टर्न पूरे सियाचिन ग्लेशियर को भी कंट्रोल करता है। लेकिन 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद से ही इसका पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथों में है। इसी के बाद इंडिया ने यहां पर 2600 स्क्वायर किलोमीटर्स के लैंड को रिक्लेम किया। इसी ऑपरेशन के चलते इंडिया ने सेल्टोरो रिज की कमांड संभाली, और तब से लेकर आज तक इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद है। यहां इंडिया एक हायर एल्टीट्यूड की पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, जिसके चलते पाकिस्तान के लिए आज यहां पर किसी भी तरह का मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करना काफी मुश्किल है। लेकिन इस आई टू आई कन्फ्रंटेशन के चलते दोनों साइड ने अपने लगभग 3000 सोल्जर्स इस रग्ड लैंडस्केप पर डिप्लॉय कर रखे हैं। लेकिन दोस्तों इस 20,000 फीट से भी ज्यादा के एल्टीट्यूड पर डिप्लॉयड सोल्जर्स एक्चुअल फाइटिंग से ज्यादा यहाँ के हार्श वेदर के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। दुश्मन देशों की बुलेट्स के अलावा यहाँ पर डिप्लॉयड सोल्जर्स को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी लड़ना पड़ता है। हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर्स के चलते यहाँ पर डिप्लॉयड सोल्जर्स हेलुसिनेशंस, सीवियर डिप्रेशन, फ्रॉस्ट बाइट्स, ब्लड स्पीच, पल्मोनरी और सेरेब्रल एडिमा जैसी बीमारियों का भी सामना करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर एज लो एज -60 डिग्री सेल्सियस तक प्लंज कर जाता है। यहाँ पर विंड्स लगभग 300 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दौड़ती है। इतना ही नहीं, सियाचिन की ऊंची ऊंची चोटियों पर ऑक्सीजन का अमाउंट 10-15% ही देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी ब्रेथ हियर इज अ बैटल फॉर सर्वाइवल। विंटर्स में इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेशन हर एक सोल्जर पर लगभग 5.5 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज खर्च करती है। तो आप देख सकते हैं कि सियाचिन को मेंटेन करना अपने आप में बहुत कॉस्टली अफेयर है, लेकिन उसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के चलते इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। दोस्तों सियाचिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व्स में से एक है। न्यूब्रा रिवर जो इंडस को फीड करती है वो भी सियाचिन में ही ओरिजिनेट होती है। पाकिस्तान या चाइना दोनों ही सियाचिन के थ्रू कश्मीर में एंटर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सियाचिन अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन के चलते लद्दाख को पाकिस्तान और चाइना के अटैक से भी बचा कर रखता है। तो यही वो कंसिडरेशंस हैं जिसके चलते सियाचिन को सेफगार्ड करना इतना क्रूशल हो जाता है। और इस सब जीरो टेरेन की इन सभी परेशानी के बावजूद इंडियन आर्मी अपनी जान की परवाह ना करते हुए सियाचिन ग्लेशियर को हर मौसम और हर कंडीशन में गार्ड करती है। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए देश की गवर्नमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट लगातार काम कर रही हैं, और इन्हीं एफर्ट्स का एक एग्जांपल है सोलर पावर्ड ड्रोन्स। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड सोलर पावर्ड सर्विलेंस ड्रोन इन्फिनिटी का डिजाइन और डेवलपमेंट काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 3 से 5 सालों में ये ड्रोन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के यूज के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इन्फिनिटी इंडिया के कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का पार्ट है। इसको यूएएस यानी अनआर्म्ड एयर सिस्टम भी कहा जाता है। चेंजिंग स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट में खुद को अडैप्ट करने के लिए इंडिया ने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम लॉन्च किया। कैट्स
मैंड और अनमैंड प्लेटफॉर्म्स की एक ऐसी कॉम्पोजिट ग्रुपिंग है जो हैवली डिफेंडेड एनिमी एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके वहां से क्रूशियल इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसी प्रोग्राम के चलते आज इंडियन आर्मी खुद को एडवांस सिस्टम्स और ड्रोन्स के साथ इक्विप कर रही है। इन्फिनिटी ड्रोन को स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस के द्वारा बनाया जा रहा है। इस पर पिछले 3 साल से काम चल रहा है और अभी ये अपनी फाइनल ऑपरेशनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। ये ड्रोन 65,000 फीट यानी कि लगभग 19,812 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर सेल कर सकता है। इन्फिनिटी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे वो 90 डेज तक लगातार बिना किसी एक्स्ट्रा एड के स्ट्रेटोस्फीयर में रह सकता है और साथ ही साथ वो अपने सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज करके एनिमी टेरिटरी में अपने टारगेट्स को काफी गहरी रेंज तक ट्रेस कर सकता है। इसी के साथ ये दूसरे कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले फ्यूचर ऑपरेशंस की वीडियो फीड कैप्चर और रिले कर पाएगा। इस वीडियो का यूज कॉम्बैट सिचुएशन के बाद उन ऑपरेशंस को मिलिट्रीली इवेल्युएट और एनालाइज करने के लिए किया जा सकता है। और तो और ये इंफ्रारेड और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी के थ्रू एनिमी टेरिटरी पर क्रिटिकल लोकेशंस की दिन और रात दोनों ही समय में इमेजरी प्रोवाइड कर पाएगा। इतना ही नहीं, ये कैट्स प्रोग्राम के अंडर दूसरे मैंड और अनमैंड सिस्टम्स जैसे कि वॉरियर, लॉयल विंगमैन, अल्फा एस स्वार्म ड्रोन्स और हंटर क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ कोऑपरेट भी करेगा। दोस्तों, कॉम्बैट और सर्विलेंस के साथ साथ ये सोलर पावर ड्रोन अलग अलग तरह के सिविलियन फंक्शंस भी परफॉर्म करेगा, जो डिजास्टर ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए वीडियोस और इमेज प्रोवाइड करने, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करने और कोस्टल वाटरवेज को मॉनिटर करने जैसी कई क्रिटिकल एरियाज में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। दोस्तों, अगर सोलर ड्रोन्स को दूसरे बैटरी पावर ड्रोन से कंपेयर करें तो ये उनके कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि बैटरी पावर ड्रोन्स को कुछ समय के बाद रिचार्ज करना पड़ता है और अगर उन्हें दूसरे सर्विलेंस सैटेलाइट से कंपेयर करें तो उनको भी बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, जो टाइम और मनी दोनों ही टर्म्स में बहुत कॉस्टली है। लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेसिटी के चलते ये सोलर पावर ड्रोन्स ज्यादा समय तक बैटलफील्ड में ऑपरेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टॉलरेंस और कंटिन्यूटी के साथ साथ सर्विलेंस सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सियाचिन जैसे कॉम्प्लिकेटेड टेरेन में नॉर्मल ऑपरेशंस भी अपने आप में काफी डिफिकल्ट बन जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सोल्जर्स को यहाँ ऐसे ऐसे क्रिटिकल लोकेशंस की सर्विलेंस करनी पड़ती है जहाँ उनका पहुंचना या तो इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली। इतना ही नहीं, काफी जगह पर हमारे सोल्जर्स अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के सर्विलेंस करते हैं और उसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग और सपोर्टिंग मटेरियल की भी जरूरत होती है। तो अगर ये सोलर पावर ड्रोन्स यहाँ डिप्लॉय किए जाते हैं तो इससे यहां पर सोल्जर्स के नंबर्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके चलते ह्यूमन लाइफ और मटेरियल दोनों की ही कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प होगी और सियाचिन जैसे कॉस्टलीस्ट बैटल ग्राउंड में ये कॉस्ट कटिंग हमें स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों, एक तरफ चाइना के साथ बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन्स और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का वायोलेशन होना हमारे सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। इससे ये बात तो साफ है कि फ्यूचर के सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें अपनी मैन पावर इंटेंसिव फोर्स को एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फोर्स में तब्दील करना होगा। इसी के चलते इंडिया ने अपने ड्रोन्स को एक्वायर करने के प्रोसेस को फास्टन अप किया। शुरुआत में हमारे पास कुल 5 कॉम्बैट ड्रोन्स ही थे, लेकिन अगस्त 2020 में इनका प्रोक्योरमेंट तेजी से बढ़ा। अभी तक इंडिया ने 75 इंडिजिनस अनमैंड एरियल व्हीकल्स अपने कैट सिस्टम में इंडक्ट किए हैं, जो कॉम्बैट मिशंस में भी यूज किए जा सकते हैं। ये ड्रोन्स टारगेट को 500 मीटर के डिस्टेंस से टारगेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेटेड ऑफेंसिव मिशंस लॉन्च करने के लिए भी कैपेबल हैं। ये कॉम्बैट ड्रोन्स उसी स्वार्म टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसको 15 जनवरी 2021 की आर्मी परेड में भी डिस्प्ले किया गया था। दोस्तों, स्वार्म ड्रोन में एक मदर ड्रोन होता है जो ऑपरेशन के टाइम पर सेवरल स्मॉलर साइज ड्रोन्स रिलीज करता है, जो मल्टीपल टारगेट्स को हिट करके खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये ड्रोन्स लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहने के चलते हाई स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल डायरेक्शन से आकर कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेलम कर देते हैं। ये स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे पहले 2018 में देखने को मिली, जब वेस्टर्न सीरिया में बने रशिया के खमीमिम एयरबेस पर इसी तरह के 13 ड्रोन्स द्वारा अटैक किया गया। उसी तरह लास्ट ईयर नगोर्नो कारबाख क्लैशेस के दौरान अजरबैजान ने आर्मेनिया के अगेंस्ट इसी तरह के ड्रोन्स को मैसिवली डिप्लॉय किया, जिसके चलते उस टैक्टिकल बैटलफील्ड एरिया में कोऑर्डिनेटेड आर्म ड्रोन्स ने आर्मेनियन S-300
और शोराड यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस नेटवर्क्स और साथ ही साथ 200 प्लस मिलिट्री व्हीकल्स पर जमकर अटैक किया। दोस्तों ये तो बात हुई ड्रोन्स की, लेकिन उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सियाचिन बेस कैंप और सियाचिन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो लद्दाख की न्यूब्रा वैली के परतापुर में लोकेटेड है, उनको भी सोलर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक सेंट्रल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने सियाचिन और परतापुर दोनों जगह पर एक एक मेगावाट के दो सोलर स्टोरेज पावर प्लांट्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लीज आउट किया है। दोनों पावर प्लांट्स 2 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज के चलते राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर पाएंगे। सियाचिन प्रोजेक्ट कैंप 1, 2 और 3 की लाइटिंग और हीटिंग नीड्स को पूरा करने में मदद करेगा और परतापुर प्रोजेक्ट आर्मी के 102 ब्रिगेड की इन सभी जरूरतों को पूरा करेगा। 102 ब्रिगेड ग्लेशियर के स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिफेंड करने का काम करती है। दोस्तों आज आर्मी टन्स ऑफ डीजल्स और केरोसिन को बर्न करके अपनी हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को पूरा कर पाती है। ये एक काफी कॉस्टली प्रोपोजिशन है। सोलर पावर स्टोरेज प्लांट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इससे पावर जनरेटर में लगने वाले डीजल पर आर्मी की डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और तो और ये उनके पावर की कॉस्ट को भी मोर देन 50% रिड्यूस कर पाएगा। जहां जनरेटर से प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सियाचिन में 24-25 रुपीज पर यूनिट होती है, वहीं सोलर एनर्जी का यूज के चलते सियाचिन बेस कैंप को रुपीज 9.89 पर यूनिट और परतापुर बेस को रुपीज 10.34 पर यूनिट की सिस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों विंटर्स में सियाचिन हैवी स्नोफॉल और नेचुरल कैलेमिटीज के चलते बाकी दूसरे रीजन से कट ऑफ हो जाता है और तो और वहां स्नोफॉल के कारण लद्दाख से रोड कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाती है, जिसके चलते फ्यूल को एक बड़ी मात्रा में पहले से ही स्टोर करके रखना पड़ता है और इसकी स्टोरेज कॉस्ट इसको और भी ज्यादा कॉस्टली अफेयर बना देती है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सोलर पावर का यूज करके एक सब्सटेंशियल लेवल पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। लद्दाख एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन भी है, इसी वजह से ऐसे रीजन में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंस कम करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को टैप करने की जरूरत है। ये सोलर स्टोरेज प्लांट्स इन सब बेनिफिट्स के साथ साथ इस रीजन में आर्मी के कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के प्लान को भी साकार करने में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सोलर एनर्जी का यूज करके सियाचिन जैसी कॉस्टलियस बैटलफील्ड को ह्यूमन फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इंडिया को निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक एज हासिल होगी। लेकिन इसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।